गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू। सो स्टूडेंट, ओपन योर इब्तदाई उर्दू बुक एंड ओपन सबक नंबर 3। क्या है सबक का नाम? हमारा घर और घोंसला। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ दोहराइएगा। एक दिन नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए थे। कौन खेलने गया था? नीलम और बबलू कहाँ खेलने गए थे? बाग में। घूमते घूमते उन्होंने एक झाड़ी में घोंसला देखा। घूमते घूमते बाग में उन्होंने क्या देखा? घोंसला, जिसे इंग्लिश में नेस्ट बोलते हैं। घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा था। घोंसले में क्या था? चिड़िया का एक बच्चा था। बबलू ने सोचा घोंसले के तंगे झाड़ चिड़िया के बच्चों को क्या सोचा उसने बबलू ने सोचा घोंसले के तंगे तिनके चिड़िया के बच्चों को चुपते होंगे। गर्मी और सर्दी अलग परेशान करती होगी। ठीक है, उसको बबलू को क्या लगा था कि जो तने होते हैं, तिनके जो होते हैं घोंसले के, वो उसको चुपते होंगे चिड़िया के बच्चे को। गर्मी और सर्दी से अलग परेशान रहते होंगे, क्यों ना उसे अपने घर ले जाऊं। किसे? उस बच्चे को, चिड़िया के बच्चे को अपने घर ले जाऊं और नरम नरम बिस्तर पर रखूं। कहां रखूं? नरम नरम बिस्तर पर, अपने घर पे। उस ख्याल से बबलू ने हाथ बढ़ाया। किसे? किसे उठाने के लिए? चिड़िया के बच्चे को उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। चिड़िया का बच्चा चू चू करके चिल्लाया। कैसे करके चिल्लाया? चू चू करके चिल्लाया, क्योंकि बबलू ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था, तो अपने आप को डर देख के, खतरा देख के चिड़िया का बच्चा चू चू करके चिल्लाने लगा। मुझे ना पकड़ो ये कहने लगा, मुझे ना पकड़ो। बबलू बोला, डरो मत भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बबलू ने किससे कहा? चिड़िया के बच्चे से। डरो मत, लाइक डोंट बी स्कैर्ड, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करूंगा, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें आराम से रखूंगा, तुम्हें ठीक से रखूंगा, तुम्हें ये तिनके चुपते होंगे। बबलू ने क्या कहा? बबलू ने चिड़िया के बच्चे से कहा, तुम्हें ये तिनके चुपते होंगे। चिड़िया का बच्चा बोला, शुक्रिया भाई। उसके रिप्लाई में चिड़िया के बच्चे ने रिप्लाई किया, ठीक, थैंक यू, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, चिड़िया के बच्चे ने कहा, लेकिन सुनो, मुझे तो अपना घोंसला प्यारा है, मुझे तो अपना ये घर जो घोंसला है यही प्यारा है। मेरी माँ ने परों का नरम बिस्तर बनाया है, ये देखो, मेरी माँ ने जो है परों का एक अच्छा सा सॉफ्ट सा बिस्तर भी बनाया है। बबलू ने देखा सचमुच घोंसले के अंदर नरम नरम परों का बिस्तर बिछा हुआ था। बबलू ने क्या देखा? जब चिड़िया के बच्चे ने कहा कि बिस्तर है, तो बबलू ने उसे बढ़कर देखा, हाँ बिस्तर है, इसलिए तिनके चुपते ना थे, इसलिए मुझे वो घोंसले के तिनके जो है चुपते नहीं थे। चिड़िया का बच्चा बोला, चिड़िया का बच्चा रिप्लाई करता है, मेरी माँ अपने परों में छुपाकर मुझे सर्दी और गर्मी से बचाती है। उसने क्या कहा चिड़िया के बच्चे ने? मेरी माँ मुझे सर्दी और गर्मी से बचाती है अपने परों में छुपाकर। बबलू ने चिड़िया के बच्चे से कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है। जब चिड़िया का बच्चा कह रहा है मेरे पास नरम बिस्तर भी है, मैं तुझे सर्दी गर्मी से भी मेरी माँ बचाती है, तब उसने क्या कहा बबलू ने कि चिड़िया के बच्चे से कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है, उसकी छत और दीवार भी मुझे गर्मी सर्दी और बारिश से बचाते हैं, मेरा घर भी ऐसा है जो मुझे सर्दी गर्मी बारिश से बचाते हैं। चिड़िया का बच्चा बोला, हाँ भैया ठीक कहते हो, आप भी सही कहते हो, हर एक को अपने घर ही आराम मिलता है, सबको क्या है, कंफर्ट जो मिलता है कहाँ मिलता है, अपने ही घर में मिलता है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो। चिड़िया के बच्चे ने क्या कहा? तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन फिर भी मुझे मेरे घोंसले में रहने दो। ये सुनकर नीलम और बबलू खुशी खुशी घर लौट गए। जब चिड़िया के बच्चे ने कहा कि हम इसी में खुश हैं, तो वो दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए। सो स्टूडेंट, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर कि किसको क्या है, हर किसी को अपना ही घर प्यारा है। ओके, घर और घोंसला। सो इसकी बुक एक्सरसाइज खुद आप लोग सर्च कीजिएगा। ओके, दिस इज योर बुक एक्सरसाइज, ट्राई टू फिल इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।